राजेश रंजन एक बार फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जबरदस्त न्यूज। तो चलते हैं, पहले हेडलाइन जान लेते हैं क्या है आज का। जियो 5G लॉन्च होने से पहले इस जरूरी बात पर ध्यान दें, 5G सर्विस यूज करने के लिए करना होगा ये काम। तो इस पर बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो सब इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा है, देख सकते हैं आप, टेक्नो POP 6 Pro भारत में धूम मचाएगा। 5000 mAh की बैटरी होगा इसमें, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये एक मोबाइल फ़ोन आ रहा है। और उसके बाद ये है, आप देख सकते हैं रेलवे के लिए जॉब के लिए, इस पर बात करेंगे। और आखिर में है ये IRCTC का एक शानदार पैकेज लॉन्च हुआ है जो तीर्थ कराता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं पहले न्यूज़ पे। पहले न्यूज़ पे जाने से पहले आप लोगों से बस वही गुजारिश है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें, मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं जियो पे आप लोग जब 5G सर्विस आ जाएगा तो क्या क्या ज़रूरत होगी हम लोग को। तो सबसे पहला ज़रूरत तो 5G फ़ोन का होने वाला है, ये तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। उसके बाद दूसरा है, 5G स्मार्टफोन की डिमांड इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में बहुत जल्द 5G सर्विस लॉन्च शुरू हो जाएगी। कुछ समय पहले ही भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हुई, इसके बाद अलग अलग टेलीकॉम कंपनी ने 5G सर्विस को लॉन्च करने के प्लान्स जारी किए। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने भी कंफर्म किया कि दिवाली तक उन्होंने 5G सेवाएं स्टार्ट कर देनी है। बता दें कि अगर एक जियो यूज़र हैं और 5G सर्विस के लॉन्च होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि एक ज़रूरी काम जो आपको सर्विस को यूज़ करने के लिए करना होगा, तो ये मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखते हैं लॉन्च होने जा रही है जियो 5G सर्विस। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जियो AGM 2022 में कंपनी के चीफ मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि दिवाली पर जियो 5G को जारी किया जा रहा है। जियो 5G को फिलहाल सिर्फ दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता में लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये पूरे देश में भी फैल जाएगा, पहले लॉन्च तो हो जाए। जियो 5G यूज करने के लिए करना होगा ये काम। कंपनी की तरफ से यह जानकारी आई है कि अगर आप एक जियो यूज़र हैं तो इस 4 शहर में एक के निवासी हैं तो 5G यूज़ करने के लिए आपको एक ज़रूरी काम करना होगा। बता दें 5G सर्विस इन स्मार्टफोन पर काम नहीं करेगी जिन पर 5G सपोर्ट दिया जा रहा है। इस हाई स्पीड इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए 5G स्मार्टफोन खरीदना होगा। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको 5G फ़ोन खरीदने के लिए तैयार होना होगा। क्या आपको स्मार्टफोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है? अगर आप जानना चाहते हैं आपका 5G सपोर्ट करता है या नहीं, तो इस स्टेप को फॉलो करें। वो तो आप अपने नेटवर्क में जाके आप चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेन काम जो है, आप 5G का फ़ोन आपको लेना ही पड़ेगा। और 5G फ़ोन जब आपको लेना है तो उसके लिए आपको 5G फ़ोन का काफ़ी सारा ऑप्शन आजकल अवेलेबल है। चलते हैं दूसरे न्यूज़ पे। दूसरा न्यूज़ देखते हैं, भारत में धूम मचाने को तैयार है 5000 mAh की बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट से लेस। तो ये देख सकते हैं फ़ोन का फ़ोटो भी आप लोग। ये है टेक्नो भारत में POP 6 Pro स्मार्टफोन जल्द लॉन्च करने जा रहा है। इस कंपनी इस स्मार्टफोन की एक माइक्रो साइट भी अमेजन पर लाइव कर दी है। आपको बता दें कि अमेजन पर इस स्मार्टफोन के धमाकेदार स्पेसिफिकेशन भी सामने आ चुके हैं। एक दमदार स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर इस स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी अभी से रहें तो हम आपको इसकी डिटेल्स लेकर आए हैं। स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसका 6.5 इंच के करीब करीब का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा और 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है। और आपको ये एक बेसिक फ़ोन है, एंड्रॉयड में आप देख सकते हैं कि ये अच्छा ही फ़ोन होगा आपके लिए। तो चलते हैं आगे। ये है, आपको रेलवे में TGT PGT की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, आयु सीमा 65 साल, कोई एग्ज़ाम नहीं। तो आप इस पे देखते हैं क्या है। ये मध्य रेलवे ने शिक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवारों को नौकरी करना चाहते हैं 4 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो ये आपको
आप इंटरव्यू देके ये नौकरी ले सकते हैं। इसमें 6 पद हैं और 8 पद, टोटल 14 पद हैं और 9 पद भी भरे जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार यहाँ उपलब्ध डिटेल्स के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता चेक कर सकते हैं। आयु की सीमा 18 से 65 साल रखी गई है, तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये आप जाके डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आपको पता देख कहाँ होगा इंटरव्यू। नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवार 4 अक्टूबर को भुसावल स्थित, भुसावल ये आप गुजरात में है शायद, भुसावल, हाँ, आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। साथ ले जाने होंगे डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू के लिए जो डॉक्यूमेंट है ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप लोगों को, आप लोग जो भी इच्छुक हैं वो जा सकते हैं। आखिर में ये न्यूज है IRCTC का जो पैकेज है तीर्थ कराने वाला, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी धार्मिक जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। IRCTC आपके लिए एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। टूर पैकेज से आप शिरडी के साईं धाम, शनि सिंगापुर धाम और ऋषिकेश ज्योतिर्लिंग जैसे कई जगह पे घूम सकते हैं। और ये सारे टूर के पैकेज हैं, देख लीजिए आप। 5 दिन और 4 रात का पैकेज है IRCTC पे, जो कि दिल्ली से 17 अक्टूबर को निकलता है, और इसका किराया आप देख सकते हैं 18,500 प्रति व्यक्ति किराया। तो आप लोग IRCTC की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं, ये अच्छा चीज़ है। ये अपने मम्मी पापा के लिए बुक कर सकते हैं, अपने दादा दादी के लिए बुक कर सकते हैं आप लोग। तो ये था आज के लिए, आज का अपडेट, और कल लेके आएंगे फिर आपके लिए नए वीडियो और मैं नया अपडेट। तो चलते हैं, जो भी मेरे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं रोज़ आपके लोगों के लिए इस तरीके का न्यूज़ लेकर आता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं कल।